नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अक्सर शेयर मार्केट में देखा जाता है कि एक न्यूज आती है और उस न्यूज के दम पर स्टॉक रिएक्ट करते हैं। कई बार बहुत शानदार तेजी देखने को मिलती है और कई बार गिरावट देखने को मिलती है। अपर सर्किट देखने को मिलता है कई बार और लोअर सर्किट भी मिलता है। अब ऐसे में जिन निवेशकों को नुकसान होता है उनको पता है इसकी कीमत क्या होती है। अब सोचिए कि कोई न्यूज आई और न्यूज बाद में पता चली कि वो अफवाह थी, तो सोचिए किस तरीके का नुकसान झेलना पड़ता है निवेशकों को। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट एक्सपर्ट्स लगातार कहते रहते हैं कि भाई जो न्यूज से जुड़ी खबरें होती हैं उस पर जो स्टॉक रिएक्ट करता है, ऐसी ऐसी स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए, उस समय स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए। फंडामेंटली चीजों को समझना चाहिए और उनके रिजल्ट्स को देखते, तमाम पहलुओं को देखने के बाद ही निवेश करना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर निवेशक तो निवेशक है, वो किसी अपने हिसाब से फैसला लेते हैं यहाँ पर। तो अब मैं यही चीज बताने जा रहा था कि जो अफवाहों का दौर होता है शेयर मार्केट में काफी तेजी से तुल पकड़ता है और उसके बाद स्टॉक जो है वो रिएक्ट करते हैं। इन्हीं तमाम तरहों की चीजों पर देखते हुए सेबी एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। क्या है ये फैसला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दरअसल खबर क्या है, देखिए जब भी कोई मार्केट में खबर आती है तो आपकी तरफ फैलती है, उसके बाद जो स्टॉक्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो। लेकिन अभी अगर ये अफवाह होती है तो अफवाह का असर किस तरीके से होता है ये भी आपको पता है, लेकिन उसकी खबर की पुष्टि कोई नहीं करता है। अगर अफवाह के तौर पर होती तो आपको पता चलता है कुछ घंटों बाद ये आ रही है तो गलत खबर थी, तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? उसकी पुष्टि के लिए आखिर कंपनी को तो आगे आना होगा जिस कंपनी के स्टॉक की बात हो रही है। तो सेबी ने दरअसल इसी तरीके का कदम उठाने जा रही है। कंसल्टेशन पेपर सेबी की तरफ से जारी किए गए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी अफवाह उड़ेगी, जो भी जिस कंपनी से या स्टॉक से रिलेटेड, उसके कंपनी के मैनेजमेंट को, अधिकारियों को, डायरेक्टर को आके बताना पड़ेगा कि ये खबर की पुष्टि है या नहीं, ये खबर सही है या गलत। इसके लिए टाइम फ्रेम की भी बात हुई है, करीब 24 घंटे के अंदर जो कंपनी के मैनेजमेंट होगा उसको इस पर क्लैरिटी देनी होगी ताकि निवेशकों के मन में ना भय का माहौल हो ना फिर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन का माहौल हो और एकदम पिक्चर क्लैरिटी हो ताकि निवेशकों को नुकसान ना झेलना पड़े। यहाँ पर सेबी ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो है एक टाइम फ्रेम में होगा, 24 घंटे के अंदर होगा और इस पे साफ तौर पे आपको पुष्टि करनी पड़ेगी कि खबर सही है या नहीं है। और हम लोग लगातार देखेंगे कि कंसल्टेशन पेपर में सेबी कई तरीके की रिकमेंडेशन कर रहा है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी T+0 को लेकर कि कब से लागू हो सकता है, और ये नियम भी अभी शुरुआती दौर में मैं आपको बताऊं कि 100 कंपनियों पर लागू हो सकता है। जो टॉप टॉप 100 कंपनीज है स्टॉक मार्केट की, उनको बताना पड़ेगा कि स्टॉक क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये जो खबर है इसकी सही है या नहीं। और ये जो नियम है 1 अक्टूबर 2024 के आसपास लागू होते हुए दिख सकते हैं। तो ये कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे हर बार की तरह गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।